सारा संसार का पंच तत्व जो हम देखते हैं इस पंच तत्व के संसार में पांच में से एक तत्व ले लें तो मिट्टी तो कह रहे हैं कि सब तो मिट्टी 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 है मिट्टी का एक पुतला मिट्टी जिसमें जान पड़ गई मिट्टी का एक पुतला कोई औरत और कोई पुरुष बन गई स्त्री बन गई पुरुष बन गई फिर ये स्त्री पुरुष का मेल हुआ तो मिट्टी का एक पुतला और तैयार हो गया पर याद रहे ये मिट्टी का पुतला जाएगा मिट्टी में ही आज जाए कल जाए परसु जाए तरसु जाए कल शाम गंगा के तट पर इधर हम खड़े हैं सामने घाट पर आरती हो रही थी लोग बहुत से ज्योतियाँ लिए दूर से टिमटिमाते हुए वो दिए दिख रहे थे घूमते हुए दिए दिख रहे थे मेरे बाएं हाथ में दो चिताएं जल रही थी उनसे भी अग्नि निकल रही है आरती से भी अग्नि निकल रही है चिता से भी अग्नि निकल रही है अग्नि में कोई फर्क नहीं होता अग्नि को हम कहते हैं ये पवित्र कर देती है अग्नि में कोई चीज अशुद्ध नहीं रह जाती है। और इसी अग्नि के साथ जो हम लोगों के शरीरों का संबंध होता है जब शरीर बना तो इस मिट्टी के पुतले में अग्नि है जो मैं बोल रही हूं तो जीव में अग्नि कार्य कर रही है शरीर में तापमान है यह शरीर की अग्नि है आपके पेट में पचन करने की अग्नि को हम जठरा अग्नि कहते हैं आंख में जो अग्नि होती है उसी को हम आलोचक अग्नि कहते हैं मस्तिष्क को चलने में जो मदद देती है उसको हम साधक अग्नि कहते हैं चमड़ी में जो चल रही है ये भी एक अग्नि का प्रकार होता है और आपके छोटी आंत में खाया अन्न जहां पचता है उसको भी हम अग्नि का वास स्थान मानते तो इस मिट्टी के पुतले में अग्नि काम कर रही है ये अग्नि चल रही है तो हाथ पकड़ो तो वाम लगता है राइट right? एक मुर्दे में और एक जिंदा शरीर में क्या फर्क जिंदा शरीर में गर्माइश है मुर्दे में गरमाइश नहीं रह जाती शीतल ठंडा अकड़ा हुआ हो जाता है और उस शीतल हो चुके ठंडे हो चुके शरीर को जब आप स्पर्श करते हैं तो लगता है हम देह छू रहे हैं या कि कोई पत्थर को छू रहे हैं जिंदा शरीर हल्का होता है मुर्दा भारी हो जाता है क्या हुआ अग्नि नहीं रही देह में अग्नि नहीं रही देह में ये अग्नि जो काम करती है वो किस लिए करती है क्योंकि इसके पीछे प्राण वायु होती है प्राण नहीं काम करेगा तो अग्नि काम नहीं करेगी अग्नि काम नहीं करेगा तो शरीर में ना तो श्वास चलेगा ना तो आंख से कुछ देखेगा ना उसके पैर चलेंगे ना वो कुछ सोच समझ सकता है इसलिए मुर्दे को लटा दो लिट जाएगा उसे जला दो वो ये नहीं कहता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है आप मुर्दे को बर्फ़ पर लटा दो तो वो ये नहीं कहता मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है क्योंकि उसमें महसूस करने वाला मन अब नहीं है आपको कोई बेहोश कर दे तो अभी भी तुम्हारा ऑपरेशन हो हो कोई किसी का पेट काटे या टांग काटे या बाईपास सर्जरी हो कि ब्रेन का सर्जरी हो तो डॉक्टर कुछ देर के लिए व्यक्ति को जनरल जनरलिया देके क्या करते हैं? बेहोश तो करते हैं ताकि अब उसका मन और उसके शरीर का जो संबंध है वो काट दिया जाए ताकि शरीर काट के ठीक किया जा सके। अब देह पड़ी है डॉक्टर सर्जरी करता है सुचरिंग करता है और फिर वापस जो है अनस्थीजिया का नशा पांच घंटा में निकल जाता है वो तो मेजर करते जितना वजन कितना देना उतना देते और फिर जब मरीज को होश आती वो हाय हाय करता है फिर वो फिर दर्द होती फिर वो अरे पहले क्यों नहीं रोया जब पेट काटाते रह जब यहाँ से बाईपास सर्जरी के लिए ये पूरी स्ट्रेनम बोन काट देते हैं पिंजरा लगा के ऐसे खोल देते हैं और फिर वो हार्ट कई दफे ट्रांसप्लांट जिनका होता है तो पूरा ऑर्गन बार नया ऑर्गन फिट मरीज पड़ा उसको कोई तकलीफ नहीं है क्यों क्योंकि तकलीफ को महसूस जिस मन ने करना था वो मन जिस मस्तिष्क जिस ब्रेन से काम करता है उसका आपस का रिलेशन जो है वो उतनी देर को कुछ देर को काट दिया जाता है ऐसे ही हम जब कहते हैं देह मुर्दा हुई तो मुर्दा देह क्या है कि उसका प्राण निकल गया अब प्राण नहीं है तो प्राण से जो क्रियाएं शरीर में होनी थी अब कोई नहीं होंगी अच्छा घर परिवार रोता है कभी मुर्दा भी रोता है हाय मैं मर गया अच्छा कोई ये बोले मैं मर गया मैं मर गया तू तो मर गया तो तू तो बोला कैसे जो बोल रहा है तो जिंदा है और जिस दिन नहीं बोलेगा तब तो हम जानेंगे तू तो मुर्दा है मैं मर गया हूं ऐसा विचार कोई कर ही नहीं सकता है सच तो यह है आज तक तुमने भी मौत नहीं देखी है मौत जब घटती है देह को घटती है तुम्हें मौत छू नहीं सकती क्योंकि तुम देह नहीं हो देह हम हैं, यह सबसे बड़ा अज्ञान है देह मेरी है यह उससे बड़ा अज्ञान है। अच्छा देह मेरी है तुम्हें संबंध हो अगर तो देह को बूढ़ा ना होने दो रोक सकते हो चेहरे पे झुरियां ना पड़ने दो रोक सकते हो हड्डियों से ए, आम बोली ना वो कहते ग्रीस खत्म हो गई है मत होने दो कर सकते हो क्या तुम चाहो प्राण कभी निकले नहीं दे से और सांस चलती रहे कर सकते हो क्या तो ये तो एक वहम है ना कि देह हमारा है देह हमारा है नहीं मिट्टी का पुतला है खेल होता है माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असवार जो घोड़ा है वो मिट्टी का जो उसके ऊपर सैडल लगी है आ, सीट जो लगी है लगामे जो है बोले वो, वो भी मिट्टी की और उसके ऊपर जो इंसान बैठा है बोले वो, वो भी मिट्टी का है और वो घोड़े को चलाने के लिए ना चाबुक मारते हैं ना हल्के से चल 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 तो माटी माटी नु मारन लगी मिट्टी मिट्टी को मारती है चल और जिस हथियार से वो मार रहे है वो भी तो मिट्टी का है चाबुक भी तो मिट्टी का है माटी बाग माटी बगीचा माटी दी गुलजार बगीचा मिट्टी का जो उसमें बार खिली है बोले वो भी मिट्टी की बाहर है और जो देखने आए इंसान औरत मर्द वो भी मिट्टी के माटी माटी नु वेखन आई ए माटी दी बहार देखो ना ये मिट्टी का देह यहां बैठा बोल रहा है और ये सामने कितने सारे मिट्टी के शरीर बैठे जो सुन रहे तो ये सारी मिट्टी की गुलजार ही तो है और क्या है अच्छा यहां कौन बोलता कौन बोलता बोलो यहाँ यहाँ कौन बोलता है तुम्हें लगा कि गुरु मां बोल रही है ना <laughs> ना कैसे बोल सकते हैं ये अंदर बैठो परमात्मा बोल रहा है